जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे तो जी आज हम देखेंगे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो सी एस फाइव नाइनटीन के डिजाइन डॉक्यूमेंट को इसका सैम्पल भी है मेरे पास और मैं आपका एक प्रोजेक्ट है ऑनलाइन फॉर्म उसको देख के भी इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगी ठीक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह रहे थे एक भाई थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म है काइंडली उसको डिस्कस कर दीजिएगा तो इतना टाइम तो नहीं था क्योंकि आपको पता है सी एस सिक्स नाइनटीन के एस आर एस के लास्ट डेट चल रहे हैं और ये जो है सी एस फाइव नाइनटीन इसके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के तो टाइम नहीं मिल रहा था लेकिन मैंने कहा चलिए अब रिक्वेस्ट की है उन्होंने तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर देंगे इन शाला तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो कैंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वाइवा प्रेपरेशन की वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने वाइवा की अच्छी से तैयारी करके इन अच्छे से अपना वाइवा क्लियर करें और अपना प्रोजेक्ट क्लियर करें तो चलें जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे पास है लास्ट टाइम का आई थिंक जो so, डैशबोर्ड फॉर मेडिसिन मैनेजमेंट सिस्टम है ठीक है तो इसका डिजाइन डॉक्यूमेंट देखेंगे इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना कैसा बनाना है ठीक है तो सबसे पहले तो हम सैंपल देख लेते हैं मे बी सैंपल से आपको काफी ज्यादा आइडिया हो जाता है मतलब देख के जाहिर है अच्छा जी डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आप उन्होंने आपको दिया हुआ है आपने अपने एल एम एस पे जाना है वहाँ पे जाके सी एस फाइव नाइनटीन के सेक्शन में जाना है वहां पे जब आप चले जाएंगे तो जहाँ जाएं पे डिजाइन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसके ऊपर जाके क्लिक करना है ठीक है वहां से आपके पास एक फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी उसमें सारा ये फॉर्मेट होता है आपने जस्ट उसमें अपनी इंफॉर्मेशन जो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट होती है वो पुट करनी होती है ठीक हो गया होपफुली समझ आ होगी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा कर कर तो अच्छा यहाँ पे हम वरियन वन पॉइंट जीरो ही लिखते हैं वरियन 1.0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको सबमिट कर रहे होते हैं लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कभी हमें कमेंट मिल जाता है कोई कि ये चीज़ आपकी ठीक नहीं है इसको ठीक करके दोबारा सबमिट करवाएं तो फिर हम इसको टू पॉइंट जीरो कर देते हैं या यान पॉइंट वन कर देंगे ठीक है ना उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट तो आपने ग्रुप आईडी लिखनी होती है ठीक है आपके एलएमएस पे ग्रुप आईडी लिखी होती है वो वाली ग्रुप आईडी आपने यहाँ पे लिख देनी है उसके बाद आपके सुपरवाइजर हैं मोहम्मद साकिब जावेद तो जो भी आपके सुपरवाइजर का जो भी नाम होगा वो आपकी फाइल के नीचे दिया हुआ होगा मैं दूसरा जब फॉर्म वो क्या उसको कहते हैं फाइल ओपन करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ से सुपरवाइजर का नेम देख ठीक है तो इनके ये थे यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी इसके डिस्क्रिप्शन पे तो ये सारा फॉर्मेट आपकी फाइल में पहले से ही मौजूद होगा जिस दिन आपने अपनी फाइल सबमिट करवानी है यहाँ पे आपने वो डेट लिख देनी है ठीक है इन्होंने इस पे करवाया था इन्होंने ये लिखी हुई है अब उसके बाद वरियन वन पॉइंट जीरो एज इट इज आ जाएगा डिस्क्रिप्शन है तो इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट छोटा सा आपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस चीज के रिलेटेड है ठीक है उसमें आप आप लोग क्या डेवलप करेंगे ठीक है और वो किस लिए ईज पैदा है इस तरह से छोटा सा आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है तो इन्होंने मैनेजमेंट uh, uh, क्या था मेडिसिन मैनेजमेंट कुछ इस तरह से था ठीक है लेट मी डैशबोर्ड फॉर मेडिसिन मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है एम तो उन्होंने उसके हवाले से लिखा हुआ है कि इन दिस प्रोजेक्ट ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड यूजर्स विद द इंटरफेस फॉर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी इन स्पेसिफिक

चीजें जो है बनानी है ठीक है तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है वो आप सेम भी लिख सकते हो अपन, अपना अगर आपको आता हो तो वो भी आप लिख सकते हो ठीक है लेकिन उसमें पॉइंट्स कुछ इस तरह से ही होते हैं कि डिजाइन डॉक्यूमेंट खुद क्या होता है ठीक है इसके क्या पर्पसेस होते हैं इसके फायदे क्या होते हैं और आपने इस पूरे प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है यानी कि इसको बनाना कैसे है ठीक है आप चाहें तो यही जो है थोड़ा सा कॉपी कर लें मतलब इसको देख के लिख लें और थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर लीजिएगा ठीक है इट्स इनफ लेकिन अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड एक यूनिक कंटेंट हो जाएगा अदरवाइज इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता आपने ये बताना होता है के जो डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप आप लोग क्या चीज़ आ, मतलब डिस्क्राइब करते हो तो उसमें हम आ, जो है प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि और फीज मतलब स्ट्रक्चरली कि हम इमेजेस वगैरह इसको सॉरी डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं उसके थ्रू फ्लोर्स बताते हैं आपके जितने भी फंक्शन होते हैं वो कैसे वर्क करेंगे वो चीज बताते हैं ठीक है तो यहाँ पे बहुत अच्छा है इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए the design document describe <coughs> sorry and the design document describes the whole information about the software okay during the design phase the focal point shifts from what to how okay. a design document is a complete abnormal state determination to the inconvenience available a design document is imperatively to build up a framework programming configuration prepare rotates pretty pretty much routing of the framework into literal and more straightforward units to accomplish the ट्रैविंग रिजल्ट ठीक है तो अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत इंप्रेसिव भी है इसी तरह से आप भी अपना लिख सकती हो ठीक है चाहे तो उस को थोड़ा बहुत चेंज करके लिख लेना नो इशू ठीक है उसके बाद फिर आपने पर्पसेस लिखने हैं और बेनिफिट्स लिखने हैं एंड रोड मैप लिखने हैं ठीक है तो ये आई थिंक सो इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये चीज़ आपने इसको खुद से लिख लेना है या फिर आप इसको कहीं गूगल से देख के लिख लेना तो वो आपको मिल जाएगा नो वरीज ठीक है उसके बाद जो मेन चीज़ है उसकी तरफ आते हैं डेटा फ्लो डायग्राम डी एफ टी ठीक है तो डेटा फ्लो डायग्राम क्या होती है जिसमें आप पूरे तो सिस्टम का फ्लो डिस्क्राइब कर रहे हो तो क्या आपका सिस्टम जो है वो वर्क किस तरह से करेगा उसका फ्लो किस तरह से होगा ठीक है तो यहाँ पे इन इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड थोड़ी सी डायग्राम जो बनी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ ठीक है और फिर इसको रिलेट कर लेंगे हम जो आपका ओरिजिनल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उससे ठीक है अभी तो जाहिर है आप लोग तो हैं ही तो आप लोगों का मैं रिलेट कर दूंगी लेकिन अगर जो फर्दर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं जनरली भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगी इस चीज़ को कि इसमें आया होता क्या है ये वर्क किस तरह से करता है और हमने इसको ड्रा किस तरह से करना होता है ठीक है मैं आपको टूल वगैरह भी बता दूंगी तो यहाँ पे देखें इन्होंने एक लॉग का बनाया हुआ यहाँ पे सर्कल ठीक है तो उसका फ्लो जो है यानी कि कहाँ कहाँ से कहाँ और किधर से किधर को जाता है ये चीज बतानी है ठीक है जस्ट लाइक एक लॉगिन है तो उसको कौन कौन लॉगिन कर सकता है जस्ट लाइक पेशेंट्स लॉगिन कर सिस्टम को सॉरी कौन कौन लॉगिन कर सकता है यूजर्स कर सकते हैं पेशेंट्स कर सकते हैं सिस्टम कर सकता है ठीक है ना इस तरह से अब सिस्टम का जो फ्लो है वो किस तरह से बनता है ये देखें अगर आप को देखें, तो ये फ्लो एरोज कहलाती हैं ठीक है ना तो ये किस तरह से जा रही है और ये कैसे वर्क करती हैं ये सारा जस्ट लाइक उन्होंने लॉग इन का दिया हुआ तो लॉग इन से फिर हम क्या करते हैं जब हम सिस्टम में एंटर हो जाते हैं लॉग इन करते हैं तो फिर उसके बाद हम सर्च करते हैं मेडिसिन को ठीक है देन फिर हम क्या करते हैं व्यू मेडिसन डिटेल्स फिर हम मेडिसिन को सर्च करके उसकी डिटेल्स देखते हैं फिर उसके बाद हम मेडिसिन की प्राइस देखते हैं ठीक है इस तरह से फिर उसके बाद हम क्या करते हैं रिपोर्ट देखते हैं रिपोर्ट हमने कहाँ से देखनी होती है वो हमें मिलती है डेटा से ठीक है तो हम क्योंकि डेवेलपर हैं इस सिस्टम के इसलिए हमने हर एक परस्पेक्टिव से अपना प्रोजेक्ट देखना है ठीक है तो इसी तरह से आपने भी जो है अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी आपका प्रोजेक्ट है इस तरह से उसको मैनेज करना है उसका फ्लो बताना है कि जब आप सिस्टम में एंटर होते हो तो किस तरह से होते हो ठीक है तो सबसे पहले आप लॉग इन करते हो किसी भी सिस्टम में एंटर होने के लिए आपको क्रीडेंशियल्स की जरूरत होती है वैलिड क्रीडेंशियल्स की ठीक है भी आप लॉग इन करते हो फिर जो भी आपका फर्दर जो भी तरीकाकार होता है यानी कि जो भी आपके प्रोजेक्ट में हो रहा होगा अभी थोड़ी देर तक मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म का थोड़ा सा बता दूंगी ठीक है इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो डायग्राम है वो है जी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम तो इससे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो ना वाकिफ हो सबको पता होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है किस तरह से बनती है और इसकी एक अलग से वीडियो भी मेरे चैनल पे हुई है अगर आप उसको देखेंगे तो मे बी वो आपको ज़्यादा अच्छे से उसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए ठीक है तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है लास्ट पे मैं दे दूंगी या फिर एलिमेंट में डाल दूंगी ठीक है तो आपने वहां से जाके देख लेना है होपफुली वहां से ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम हमने एक यूज़र को देख लेते हैं क्योंकि आपके सिस्टम में भी यूजर लाजमी होगा तो आपने उस यूज़र के इस तरह से क्रिएट करना है सबसे पहले तो ये यूजर है ये एंटिटी है हमारे पास ठीक है ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं ठीक हो गया और ये जो डायमंड शेप में होता है ये रिलेशनशिप होता है ये ब्लॉक जो रेक्टेंगल होता है इसको हम एंटिटी कहते हैं ठीक है ये जो ओवल शक्ल में होते हैं इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं ठीक है और ये जो डायमंड शेप में होते हैं इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं ठीक है

आ, फार्म का नंबर होगा ठीक है और इसके अलावा फिर आपके फार्म का नेम होगा आपके फार्म की डिटेल्स होंगी इस तरह से आप लिख सकते हो ठीक है ट्रीब्यूट उसके बना सकते हो उसके बाद हम फर्दर देखते हैं अभी मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊंगी फिर मैं थोड़ा सा आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है अच्छा जी उसके बाद हमारे पास डेटाबेस डिजाइन तो डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है ये आप चाहे तो अः अगर आप अपना प्रोजेक्ट खुद बना रहे हैं तो आप माई सीक्वेल होता है जहाँ पे आप अपना अगर पीएचपी में बन रहा है तो ठीक है तो उसके साथ माइक सीक्वल आपका डेटा यूज होते हैं वहाँ पे जाके आप एक ऑप्शन होता है वहाँ से आप ये डेटाबेस डायग्राम उठा सकते हैं अगर तो आपने बना लिया हुआ है मतलब कि अगर आप पेड़ बनवा रहे हैं तो उन्होंने आपका प्रोजेक्ट बना दिया हुआ है तो फिर आप उनसे कह के ये डायग्राम ले सकते हैं लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होगा अभी आपने कोड नहीं बनवाया हुआ होगा तो आपने क्या करना है अपने सिस्टम की जितनी भी एंटिटीज़ होंगी यानी यूज़र है कोई विजिटर है जस्ट लाइक गेस्ट है ठीक है फिर उसके अलावा सिस्टम है गूगल फॉर्म है तो वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं इस तरह से आपने ये जो है ब्लॉग्स वगैरह बना लेने हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये ब्लाग्स आपको कहाँ से ये डायग्राम आप कैसे ड्रा करेंगे ऑल दैट ठीक है और अगर आप मेरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की सी एस सिक्स नाइनटीन की वीडियोज़ देख रहे हैं तो वहाँ से तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा इंशाल्लाह शाला वहाँ से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी ठीक है उसके बाद है जी हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरफेस डिज़ाइन तो ये है तो ऑप्शनल लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपने ऑप्शनल मीन्स कि आप ऐड करो तो भी ठीक नहीं ऐड करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे ठीक है लेकिन द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप ऐड कर दें ठीक है तो ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगेगी जिन लोगों ने तो बना लिया होगा या उनके डेवलपर्स ने जो पेड़ बनवा रहे हैं बना दिया होगा तो वो तो अपने ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट है अपना ओरिजिनल जो इंटरफेस है वो भी ऐड कर सकते हैं ठीक है लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया हुआ वो क्या करें कि वो जाए वहाँ पे गूगल पे ठीक है वहाँ से कोई भी इंटरफेस उठा के नॉर्मली अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड या जस्ट लाइक जैसे आ, लेट मी शो यू यहाँ पे कोई होगा भी दिया हाँ जी जस्ट लाइक इस तरह से कोई भी इंटरफेस नेम यूजर नेम ई पासवर्ड इस तरह से ना कोई भी छोटा सा थोड़ा सा दो तीन पिक्चर्स होंगे ना वो आपने ऐड कर देने एंड दैट्स इट यही है इसमें ज़्यादा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है अब मैं आपको एक जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था जिस लाइक ये देखें होम पेज बना हुआ है उन्होंने ये डिजाइन डॉक्यूमेंट में ऐड हुआ हुआ था ठीक है उनका था आई थिंक सो लाइब्रेरी ऑनलाइन कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट था ये ये देखें तो ये जाहिर है है खुद क्रिएट किया हुआ लॉग इन पे, uh, का पेज बना हुआ है और लेट मी शो यू द अनदर पिक ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ठीक है तो ये आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं ये मुश्किल नहीं है आप एस और सी को यूज करके इसको इजिली बना सकते हैं कोई भी मुश्किल की बात नहीं लेकिन क्योंकि अभी दिन थोड़े हैं और मैंने तो वैसे अपनी चैनल पे अपलोड कर दी है वीडियो आप वो भी देख लें ठीक है एचटीएमएल की तो अगर उससे कुछ समझ आती है तो उसको देखते हुए कोई छोटा सा आप जो है इसका बना लें फॉर्मेट अगर नहीं बना सकते तो गूगल से ऑनलाइन कोई उठा लें ठीक है या फिर आप किसी से बनवा भी सकते हैं इट्स अप टू यू ठीक है अब ये था हमारा डिजाइन डॉक्यूमेंट ठीक है एंड दैट्स इट अभी तो आपका बहुत छोटा बहुत कम है जो सी एस सिक्स वाले हैं उनका बहुत रोला होता है ठीक है तो यही था बस आई होप सो आपको समझ आ आगे होगी अब एक दफा मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म का थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ तो मे बी उसके बाद फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी इन शाह और आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी इसके अलावा अगर कोई आप कुछ किसी चीज में मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है मेरे ग्रुप का ठीक है सी एस सिक्स नाइनटीन के नाम से तो आपने वो ज्वाइन कर लेना है वहाँ पे जाके आप जो भी क्वेरी करेंगे आई गाइड यू इनशाला और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोस आ रही हैं एच की सी की तो वो आपके वाइवा के प्रपेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फायदेमंद रहेंगे ठीक है और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना तो चले जी हम ऑनलाइन फॉर्म पे चलते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये देखें ये ऑनलाइन फॉर्म है हमारे पास तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने डेटा फ्लो डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है ठीक है आप उसमें लॉग इन कर सकते हो ऐड जिस तरह उन्होंने पीछे वाली डायग्राम में हमने देखा था लॉग इन करके फिर उसमें कौन कौन लॉग इन कर सकता है एक यूज़र लॉग इन कर सकता है ठीक है उसके अलावा उसने क्या बताया हुआ है कि द वेबसाइट विल अलाउ द यूजर कैन ऑल्सो बी कार्ड फॉर्म क्रिएटर या उसको आप यूजर लिख देना या फॉर्म क्रिएटर लिख देना ठीक है उसको उसके साथ कनेक्ट करवा करवा देना थ्रू एरो अब कैसे बनानी है ये डायग्राम वो भी मैं आपको लास्ट पे बताती हूँ पहले हम इसको देख लेते हैं ठीक है अच्छा जी द वेबसाइट विल अलाउ एनी पर्सन विद अ वैलिड मेल टू साइन अप ठीक है तो अब जिसके भी पास वैलिड ई मेल होगा वो साइन अप कर सकेगा ठीक है तो आपने एक बना लेना है लॉग इन का ठीक है और दूसरा बना लेना है साइन अप का तो उसमें आप पर्सन और या फिर विजिटर या गेस्ट जैसे यहाँ पे इसमें दिया हुआ है देयर विल बी एन अदर यूज़र एक और यूज़र होगा जो कि गेस्ट होगा जो नो लॉग इन यानी कि वो लॉग इन नहीं कर सकता तो उसको क्या आप किसे, किस से किसके साथ कनेक्ट करवा देना उसको आप साइन अप के साथ कनेक्ट करवा देना गेस्ट को क्योंकि जब तक गेस्ट साइन अप नहीं करेगा तो वो लॉग इन नहीं कर सकता ओके ओ क्या उसके बाद है इट विल बी द फार्म फिलर यूजर टू होम द फॉर्म विल बी ईमेल्ड बाय फार्म क्रिएटर ठीक है तो हो सकता है इस चीज की जरूरत है मतलब कि हो सकता है वो फॉर्म फिलर हो जो कि एक क्रिएटर ने फार्म क्रिएटर ने फिल किया हो बाय ईमेल उसको सेंड किया हो तो उसने फॉर्म फिल कर दिया हो ठीक है उसके बाद कहते हैं यूजर कैन क्रिएट मैक्सिमम टेन फॉर्म अब आपने वहां पे लिख देना है जो यूजर होता है ना वो क्या क्या वर्क कर सकता है सबसे पहले हम उसको लॉग इन करवाएंगे फिर उसका एरो जो होगा वो फ्लो कर रहा होगा कि यूजर कैन क्रिएट फार्म सबसे पहले तो वो फार्म क्रिएट कर सकेगा ठीक है फार्म क्रिएट लिख के उसके साथ एरो बना के इसके साथ कनेक्ट कर देना फिर उसके बाद मैक्सिमम पेजेस या मैक्सिमम टेन पेजेस फिर उसके साथ फ्लो करवा देना तो इसी तरह आई होप सो के जिसने तो ध्यान से सुना है या देखा है उसको कुछ ना कुछ इसकी समझ आ गई है ठीक है तो इसके अलावा भी अगर कोई मसला हुआ तो पूछ लीजिएगा ठीक है अब उसके बाद द यूजर शुड बी एबल टू डिफाइन अ लिमिट विद डेट एंड टाइम व्हेन द गेस्ट कैन फिल द फॉर्म ठीक है तो फिर आपने उसके बाद यूजर और क्या, क्या क्या काम कर सकता है यूजर कौन कौन से काम कर सकता है ये आप सारे ही एक फ्लो में लिख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले वो फॉर्म क्रिएट कर सकता है मैक्सिमम पेज कितनी क्रिएट कर सकता है ठीक है फिर उसके बाद कहता है इट विल अलाउ द यूजर टू डिफाइन फिर वो क्वेश्चन डिफाइन कर सकता है उसके जो चॉइसेस हैं वो दे सकता है ठीक है फिर उसके बाद वो एक टाइम लिमिट डिफाइन कर सकता है ठीक हो गया फिर उसके बाद क्या हो सकता है वो उसको डेटाबेस में स्टोर कर सकता है ठीक है तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी डायग्राम बन सकती है ठीक है अगर आप बनाना चाहें तो उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट चीज यूजर कैन डिफाइन मैक्सिमम क्वेश्चन क्वेश्चन और फिर कितने क्रिएट कर सकता है फॉर्म में ठीक है यूजर कैन स्टॉप द फॉर्म एनी टाइम एंड कैन एक्सेस द इन एन एक्सेल शीट ठीक है तो वो किसी भी टाइम जो है फॉर्म को स्टॉप भी कर सकता है और रिजल्ट uh, भी एक्सेस कर सकता है एक्सेल शीट में ठीक हो गया तो आई होप सो इट इज क्लियर कि बहुत ईजी चीज़ है कोई भी इसमें मुश्किल की बात नहीं है और इट इज़ इनफ फॉर दर टू डे जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है उसके लिए बाकी जो जो भी आपके मतलब प्रोजेक्ट हैं उसके रिलेटेड भी आप इसको अगर समझें तो ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है ठीक है अब यहाँ पे हम देख लेते हैं उन्होंने ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया था कि उन्होंने कहा हुआ है देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर यू टू इम्प्लीमेंट अ फीचर इन अ पर्टिकुलर मैनर ठीक है तो कहा भी बहुत ज्यादा लचक दी हुई है सुपरवाइजर ने कि कोई मसला नहीं इतनी इम्प्लीमेंटेशन करने का किसी भी पर्टिकुलर फीचर का लेकिन लेकिन जस्ट मेक श्योर टू तो फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट इन योर ओन स्टाइल एंड क्रिएटिविटी तो उन्होंने कहा हुआ है कि आपने जस्ट तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना है अपने जिस तरह में स्टाइल में आप कर सकते हो आप करो ठीक है जितनी भी क्रिएटिविटी आप दे सकते हो ठीक है थीके? तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो यूजर टेन पेजेस क्रिएट कर सकता है टेन क्वेश्चन कर सकता है इसमें अगर आप और भी कुछ ऐड करना चाहो जिस लाइक जैसे उसने बताया था कि लिमिट डिफाइन कर सकता है ठीक है और ये यूजर एक्सेसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता ठीक है यूजर एक्सेसिबल हो सकता है आप इस तरह से भी लिख सकते हो ठीक है एनी टाइम आप ये भी लिख सकते हो तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस चीज को कितना जो है वास्टली देखते हो ठीक है या फिर कितना उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हो ओके okay, हो गया अब वो जो सुपरवाइजर का नेम था वो हम यहाँ पे अगर देखें तो मोहम्मद साकिब जवेद आई थिंक वो लास्ट पे भी हमने यही पढ़ा है वही थे सुपरवाइजर सेम तो ये आपने वहां पे लिख देना है इसके अलावा एंटिटी जो रिलेशनशिप uh, डायग्राम थी उसमें आपने एक यूजर आपकी एंटिटी है ठीक है और एक गेस्ट आपकी एंटिटी हो जाएगी ठीक है और इसके अलावा जो फार्म फिलर होगा वो आपकी एंटिटी हो जाएगी ठीक है तो ये तीन छोटी सी आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनेगी होपफुली तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी समझ भी आ गई होगी अब मैं एक चलते जाते जाते एक और चीज बता कि आपने क्या करना है गूगल पे जाना है यहाँ पे मैंने पहले से ही ड्रा डाट आयो लिखा हुआ है इसको आपने एंटर करना है ठीक है अगर लास्ट वाली वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि दिस इज़ माई फेवरेट टूल फॉर क्रिएटिंग एवरी डायग्राम मैंने अपनी भी सारी डायग्राम इसी में क्रिएट की थी और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट कर रही हूँ ठीक है अभी मैं इसको तो कर दिया कैंसिल ताकि आप लोगों को बता दूँ अच्छा जी तो यहाँ पे आपने क्या करना है ड्रा डाट और ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा उसको आपने करना है क्रिएट न्यू डायग्राम ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है ब्लैंक डायग्राम पे क्लिक कर लेना है ठीक है पहले तो नेम वगैरह दे लीजिएगा ठीक है ब्लैंक डायग्राम पे क्लिक करके फिर आप इसको क्या करेंगे क्रिएट और फिर ये आपको सेव करने का ऑप्शन मांगे पूछेगा जिस ऐसे अगर आप क्रिएट करेंगे तो उस वहां पे आपने जहाँ पे भी सेव करना है सेव करके तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे आप कहीं पे भी इसको सेव करके तो फिर आप इस तरह से डायग्राम जो है मैं अगर ओपन एग्जिस्टिंग कर लूँ तो फिर मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे अगर हो जाओ अगर ये जी ये देखें हमने एक पीछे वाली बनाई हुई थी ठीक है तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा यहाँ से आप कोई भी टूल लेके ठीक है जो भी आपका आपको चाहिए है यहाँ पे एरो हैं ठीक है फ्लो चार्ट है अगर आपको दिखाऊं तो थी, ठीक है आप यहाँ से कोई भी चीज़ लेके तो उसको आसानी से बना सकते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डाइग्राम के लिए सारे सिम्बल्स मौजूद हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और आपका जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा तो जी होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए और आपकी प्रोफेशन अच्छी होनी चाहिए तो चलते हैं जी, जी, जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और काइंडली इन वीडियोस को अपने कलीग्स के साथ अपने फेलोज़ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी फिर अल्लाह ताला आपको उसके लिए भी ज़े खैर दें मिलते हैं जी नेक्स्ट स्टूडियो में तब तक के लिए अपने ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज